हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशान। तो स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है ये टॉपिक। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहने वाले कि हमसे इमेज फॉर्म नहीं होती मिरर की। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक मिरर बना देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, और मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि मतलब कैसे कैसे इसकी रे फॉर्म्ड होती हैं, फिर आप इजीली बना पाएंगे। तो इस तरीके का ये होता है हमारा मिरर। इसमें अंदर आपकी क्या होती है, पॉलिश, ठीक है। तो जब अंदर आपकी पॉलिश होती है तो कोई भी रे लाइट आती है तो वो आकर कन्वर्ज नहीं होती, वो डाइवर्ज हो जाती है। ऐसे आई, ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि कॉनकेव में ऐसे आकर ऐसे आती थी, इसमें ऐसे नहीं आएगी, इसमें ऐसे आएगी और इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना, डाइवर्ट हो जाएगी। और इसकी फॉर्म, इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कहीं आगे फॉर्म्ड होगी, वर्चुअल, ठीक है ना। तो इसका जो पहला केस है वो है जब ऑब्जेक्ट को हमने किस पर रखा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनफाइनाइट पर तो जो हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी वो होगी, पहले मिरर फॉर्म्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा मिरर है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पर रखा तो इनफाइनाइट से कोई रे लाइट आ रही है, तो ये रे लाइट हमारी आ रही है, और जैसे ही रे लाइट आएगी इधर तो ये क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी अपने पाथ से, ठीक है ना, इस तरीके से। पर इसकी इमेज कहीं ना कहीं तो फॉर्म्ड होगी, तो इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी आगे फोकस पर, इमेजनरी लाइन। और इमेजनरी लाइन जो होते हैं उन्हें वर्चुअल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, और अगर हम बात करें इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो इमेज का फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो आप यहां देख रहे होगे साइज क्या, पॉइंट साइज, तो साइज क्या है, पॉइंट साइज, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं नेचर की, नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी मतलब अगर इस तरह फॉर्म्ड होते तो रियल, और अगर इस तरह फॉर्म्ड होगी तो वर्चुअल, ठीक है ना। वर्चुअल होगी इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब ये इमेज सीधी फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे केस पर चलते हैं। तो गाइज, अब जो हमारा दूसरा केस है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और पोल, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है कहीं पर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट इधर, और ये हो गया हमारा पोल। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो इनके बीच में, तो सपोज़ करो ऑब्जेक्ट हमारी ये है, ठीक है। तो पहली रे ऑफ लाइट गई इस तरीके से तो डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। सपोज़ करो ये फोकस पर आकर यहाँ मीट हो चुकी है, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी जो आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, तो ये क्या ये इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये इस तरीके से गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, पर यहाँ पर सीधी जाएगी, पर यहाँ पर डॉटेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म, यहाँ ये मिल गई, तो हमारी क्या होगी इमेज। एक और वीडियो मैंने अपलोड करी है कौन के मिरर की, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए, वो बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें इमेज फॉर्म्ड, तो कहाँ फॉर्म्ड हुई है, इमेज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या होगा, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब धुंधला साइज़ होगा। और अगर हम इसके नेचर की बात करें तो क्या होगा, वही वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है भाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो
तो रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल के लिए इसलिए यूज होता है क्योंकि ये हमें एक वाइड व्यू देता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है ना। तो रियर व्यू मिरर में इसलिए लगाता है बिकॉज इट गिव्स अस वाइड व्यू टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार या कार ट्रक जो भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है इस कॉन्वेक्स मिरर पर बेस्ड, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट अच्छे करें वीडियो के नीचे और हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी है वीडियो में। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।